अपस्टॉक्स में किसी भी शेयर या ऑप्शन को 100 रुपए में खरीदकर 101 रुपए में बेच देने पर आपके कितने चार्जेस लगने वाले हैं और कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, आज के वीडियो में अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर का आपको एक डेमो देने वाला हूं, जहां पर अलग अलग ऑप्शंस, फ्यूचर्स और शेयर्स को 100 रुपए में खरीदकर 101 रुपए में बेच देने पर आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा, कितना आपका प्रॉफिट होगा, आपका कितना ब्रेक इवन होगा, चार्जेस में क्या क्या स्प्लिट होगा, कौन कौन से गवर्नमेंट चार्जेस लगेंगे, कितने आपके ब्रोकरेज लगेंगे, जीएसटी कितना लगेगा, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में केयरफुली बने रहिए। चलते हैं सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू ये सारी कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। तो गाइस देखिए, मैंने अपनी स्क्रीन पर अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको डिलीवरी का बताता हूं। अगर डिलीवरी में आप कोई शेयर लेते हैं तो आपको कितने ब्रोकरेज चार्जेस वहां पर पे करने पड़ते हैं, कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, सारी चीजें जान लेते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर सेलेक्ट कर रखा है NSE HDFC बैंक इक्विटी, यानी कि HDFC बैंक का शेयर मैं यहां पर ले रहा हूं। यहां पर शेयर का जो प्राइस है वो आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। ये कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए कि कितने चार्जेस आपको लगने वाले हैं उस चीज के लिए। तो जैसे कि मैंने यहां पर बाय प्राइस 100 रुपए रखा है और सेल प्राइस मैंने रखा है 101 रुपए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितना जल्दी आप 100 रुपए में खरीदकर किसी चीज को अगर 101 रुपए में बेच देते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट बनेगा, कितने आपके चार्जेस रहेंगे, कितना आपका ब्रेक इवन आता है। तो देखिए, इस केस में अगर आप HDFC बैंक के शेयर को लेकर के डिलीवरी में खरीदते हैं तो ब्रोकरेज आपके 40 रुपए लगते हैं, अदर चार्जेस आपके लगते हैं 253 रुपए, ब्रेक इवन आपका होता है 0.29 रुपीज पर। अभी बताऊंगा कि ब्रेक इवन क्या है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका बन जाता है 706 रुपए का, यानी कि 706 रुपए का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहां पर मैंने कहा क्वांटिटी ली है 1000 की, यानी कि अगर आप HDFC बैंक के 1000 शेयर खरीदते हैं तो उस केस में 100 रुपए पर अगर शेयर है और 101 रुपए पर 1 रुपया बढ़ते ही आपको 706 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। यहां पर ब्रेक इवन का मतलब क्या है? ब्रेक इवन का मतलब यह है कि मान लीजिए आप उस ट्रेड से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको एक्चुअली पहले तो शेयर को खरीदने में कुछ कॉस्ट लग रही है, इसके अलावा आपको वहां पर ब्रोकर को कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ रहे हैं, वो भी आपकी कॉस्ट है। तो आपके पेमेंट, जो आपने खरीदने में जो कॉस्ट लगाई, बाइंग प्राइस और आपके चार्जेस, इन दोनों को जब आप सेलिंग प्राइस में से डिडक्ट करते हैं तब आपका प्रॉफिट निकल करके आता है। तो ब्रेक इवन जो चीज है वो आपको यही बता रहा है कि शेयर के प्राइस में कितने पॉइंट का इंक्रीज आने पर आप यहां पर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब जैसे कि ये 0.29 है, तो अगर मैं इसे जो सेलिंग प्राइस है इसे 100.30 कर देता हूं, तो 100.30 पर करने पर आप देख रहे हैं नेट पीएनएल जो है वो 7 रुपए बनता है, यानी कि 7 रुपए का आपको बेनिफिट होगा। अगर शेयर प्राइस 100 में खरीदा और 130 में 100.30 रुपए में आपने बेच दिया तो इस तरीके से होगा। इसके अलावा अगर आप इसको 100.29 कर देते हैं तो उस केस में आप देख सकते हैं 2 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो यहां पर जो ब्रेक इवन है वो 0.29 रुपीज पे, 0.29 रुपीज यानी 29 पैसे पे ब्रेक इवन है। एक बार चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस यहां पर 40 रुपए लग रहे हैं। ब्रोकरेज चार्जेस का मतलब ये है कि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही साइड पर ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, वो होता है बाइंग साइड पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बाइंग करते टाइम 20 रुपए लगता है, सेलिंग करते टाइम भी 20 रुपए लगता है और सभी ब्रोकर्स के पास इसी तरीके से चार्जेस लगते हैं। अपस्टॉक्स का कुछ नया अलग सिस्टम नहीं है। ज़ीरोधा में चले जाएं, एंजल वन में चले जाएं, ग्रो में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इसी तरीके से आपके चार्जेस जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। अदर चार्जेस जो है यहाँ पर 250 रुपए के दिखा रखा है, जिसका स्प्लिट यहाँ पर दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रोकरेज तो सिर्फ 40 रुपए है, लेकिन STT जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं जिनको कोई भी ब्रोकर आपको जीरो नहीं कर सकता। आजकल मार्केट में कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको फ्री ब्रोकरेज का लालच देते हैं, तो एक्चुअली ब्रोकरेज तो आपके सिर्फ 40 ही रुपए हैं। इस केस में आपका जो STT है वो ज्यादा है, 200 रुपए का STT है। इसके अलावा DP चार्जेस हैं, क्योंकि डिलीवरी में है तो DP चार्जेस लगता है, स्टैंप ड्यूटी है 15 रुपए की। इस तरीके से आपको जो टोटल ब्रोकरेज और अदर चार्जेस मिलकर के बनते हैं वो 292 रुपीज बनते हैं। यहां पर हम दोबारा इसका सेलिंग प्राइस 101 रुपए कर देते हैं, क्योंकि हम 101 रुपए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन पर आ गया है, जो टैक्सेस और चार्जेस हैं वो 293 के रुपीज़ के बन रहे हैं। अब हम इसको एक बार इंट्राडे में कर लेते हैं। तो अगर आप जैसे HDFC बैंक का शेयर किसी दिन खरीद करके उसी दिन सेल करते हैं तो उस केस में आपके क्या चार्जेस बनते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, इस केस में आपका DP चार्ज 0 हो गया है, क्योंकि डिलीवरी में जब आप खरीदते हैं तो DP चार्ज लगता है। अगर आप यहां पर इंट्राडे में खरीदते हो तो DP चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा STT आप देख सकते हैं, STT भी यहां पर कम हो गया है। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, अपस्टॉक्स का जो प्राइस चार्ट है वो दिखा देता हूं। देखिए, STT आप देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी में लगता है 0.1%, जबकि इक्विटी इंट्राडे में 0.025% लगता है। तो इंट्राडे में जो STT लगता है वो डिलीवरी STT के 1/4 हिस्से के बराबर होता है।
और STT जो है वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट चार्ज होता है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन चार्ज भी देख सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन चार्ज भी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो करीब करीब 7 रुपये का आपका ट्रांजेक्शन चार्ज भी यहाँ पर बन रहा है। इस तरीके से अगर आप HDFC बैंक के शेयर को 100 रुपये में खरीदते हैं, 101 रुपये में बेचते हैं, तो एक ही दिन के अंदर उसी दिन खरीद करके उसी दिन बेचते हैं, तो उस केस में आपके जो चार्जेज हैं वो 83 रुपये बनते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्यूचर्स की एंड ऑप्शंस की। तो देखिए हम यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर 27 जुलाई वाला फ्यूचर्स ले लेते हैं जिसकी एक्सपायरी 27 जुलाई की है। तो इसका हमने यहाँ पर एक फ्यूचर ले लिया है। अब देखिए क्वांटिटी हमने वही 1000 रखी है, मान रहे हैं कि 100 रुपये में मिल रहा है और 101 रुपये में आप इसको बेचने वाले हैं। उस केस में जो आपके अदर चार्जेस बन रहे हैं वो 24 रुपीज़ बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं STT और भी कम है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस काफ़ी कम है। तो डिलीवरी में इंट्राडे के कंपैरिजन में यहाँ पर फ्यूचर्स में आपके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से कम बन रहे हैं। ब्रेक इवन जो आपका आ रहा है वो 6 पैसे पर आ रहा है, यानी कि अगर कोई फ्यूचर आप 100 रुपये में खरीदते हैं और वो 6 पैसे पर बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर जितना भी हो जाएगा फ्यूचर का प्राइस, आपको वो सारा प्रॉफिट में एज ए प्रॉफिट मिलेगा। देख सकते हैं अगर आप 1000 क्वांटिटी लेते हैं 100 रुपये, यानी कि 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, उस केस में 935 रुपये का आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज, इसके अलावा हम कोई एक देख लेते हैं, कोई ऑप्शन हम सर्च कर लेते हैं। तो निफ्टी CE हम टाइप कर देते हैं। तो निफ्टी 19,500 का 20 जुलाई का यहाँ पर ये जो कॉल ऑप्शन दिखा रहा है, इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस अब स्टॉक्स में ऑप्शंस के जो चार्जेस लगते हैं वो फ्लैट लगते हैं 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे। कई ब्रोकर्स आपसे पर लॉट पे भी ब्रोकर चार्ज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर लॉट के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा। आपकी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वहाँ पर चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन अब स्टॉक्स आपसे यहाँ पर लॉट के बजाय पर ट्रेड पर लेता है। आपके ट्रेड का अमाउंट चाहे कितना भी हो, ब्रोकरेज आपका 20 रुपी फ्लैट ही लगता है एक साइड का, दोनों साइड का 40 रुपीज़ हो जाता है। अब यहां पर आप चार्जेस देख सकते हैं, फ्यूचर से थोड़े से ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं। ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यहां पर ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ गया है। जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका STT तो कम लगता है, लेकिन ट्रांजेक्शन चार्ज ज्यादा लगता है। इस चीज को आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस में जाएंगे, इनके प्राइसिंग सेक्शन में, वेबसाइट पर जाकर के प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे, तो आप इनके सारे चार्जेस को यहां पर देख भी सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया जहां पर मैंने इन सारे चार्जेस को कवर किया, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दूंगा, जाकर के आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस के केस में जब हम आते हैं तो यहां पर जो एक्सचेंज फीस है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हैं वो इस तरीके से दिखा रखा है 0.053%, जबकि फ्यूचर्स में 0.002 है। इसके अलावा देखिए अब इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे में काफ़ी कम है 0.00345%। तो ये जो चार्ज है ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये बढ़ जाते हैं ऑप्शंस के केस में, इसलिए आपके ऑप्शंस में जो ब्रोकरेज हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट आपके जो ब्रोकरेज लगते हैं वो ऑप्शंस में ही काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है गाइज, वो आपके रेगुलेटरी चार्जेस की वजह से बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया ट्रांजेक्शन चार्ज है, STT है, इनकी वजह से बढ़ रहा है। ब्रोकरेज तो आपका सिर्फ 40 रुपीज़ ही लग रहा है, ब्रोकरेज एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं ये आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस निफ्टी के ऑप्शन को 100 रुपये में खरीदते हैं, 101 रुपये में बेचते हैं, तो आपको 773 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। ब्रेक इवन आपका सिर्फ और सिर्फ 23 पैसे पा जाता है, यानी कि 100 रुपये में अगर आपने कोई भी स्क्रिप्ट खरीदी है और अगर 23 पैसे भी उसका प्राइस बढ़ गया तो आप वहां पर प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अपस्टॉक्स में अगर आप डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा। मेरा खुद का भी डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स में ही है। मैं करीब करीब 3 साल से अपस्टॉक्स के डीमेट अकाउंट को यूज़ कर रहा हूं और मैं बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड हूं। हर तरीके की ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग आप अपस्टॉक्स के डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपस्टॉक्स ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट बनाइए, क्योंकि अपस्टॉक्स आपको इक्विटी डिलीवरी अब फ्री नहीं दे रहा है, जबकि एंजल वन में आपको इक्विटी डिलीवरी फ्री मिल जाती है। एंजल वन के ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।